हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्किल साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप सऊदी का नेशनल एड्रेस कैसे बना सकते हैं। सऊदी नेशनल एड्रेस बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसका फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम प्ले स्टोर से SPL एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। यह सऊदी पोस्ट का एप्लीकेशन है। इसके बाद इसे ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन में इंटर करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। हम यहाँ पर लॉगिन एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करके लैंग्वेज को अरबी से इंग्लिश में कर लेंगे। यहाँ पर इसको आप इंडिविजुअल पर ही रहने देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसे आप इंडिविजुअल पर ही रहने देंगे। नीचे की तरफ आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सनल आईडी में अपना अकाउंट नंबर को इंटर करेंगे। उसके बाद बर्थडे को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, हिजरी और ग्रेगोरियन। हम यहाँ पर ग्रेगोरियन पर ही इसको रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर डे मंथ और ईयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे। यहां पर ईमेल को इंटर करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन को यहां पर फिल करेंगे। यहां पर हम यूजर नेम बनाएंगे। जो यूजर नेम आप रखना चाहते हैं यहां पर इंटर करेंगे। उसके बाद पासवर्ड बनाएंगे। उसके लिए न्यू पासवर्ड में हम जो पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को हम दोबारा इंटर करेंगे। उसके बाद आई एग्री टू दी प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म ऑफ यूज, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन अप पर क्लिक करेंगे। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको इंटर करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद SPL में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारा पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, इसलिए यहां पर मैसेज आ गया, द यूजर नेम आर ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इस तरह आपका यूजर नेम और पासवर्ड रेडी हो जाएगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आप यहाँ पर नीचे एड्रेस पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इंटर द एड्रेस इंफॉर्मेशन, आप यहाँ पर रेजी ऑन को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर ईस्टर्न प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिटी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद बिल्डिंग नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप स्ट्रीट नेम को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर फ्लैट में रहते हैं या विलेज में, उसको सेलेक्ट करेंगे तथा उसके बाद रेंट पर रहते हैं या अपना घर है, उसको सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर फ्लैट और रेंट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। थैंक यू, योर एड्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। नेशनल एड्रेस क्रिएट हो गया। उसके बाद आप स्टार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एड्रेस का पूरा डिटेल शो हो रहा है। नेशनल एड्रेस को डाउनलोड करने के लिए आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप प्रूफ एड्रेस पर क्लिक करेंगे। इस तरह आपका नेशनल एड्रेस डाउनलोड हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इस तरह आप SPL सऊदी पोस्ट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सऊदी नेशनल एड्रेस ऑनलाइन बना सकते हैं। बैंक में अकाउंट ओपन करते समय तथा ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय नेशनल एड्रेस का डिमांड किया जाता है। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।